पूछना चाहता हूं आपसे, देश की जनता के तरफ से मुझे बता दो, विश्व में किसी सरकार ने कैसी योजना बनाई हो जिसके आधार पर देश की मासूम जनता की जान तबाह हो पाए, उसका उदाहरण आप इस सदन के अंदर दो। क्या कहोगे आप उस महिला को जो अपने नवजात बच्चे को लेके गई थी अस्पताल में भर्ती करने के लिए? आप महिला है अध्यक्षा महोदय, पुराने नोटों के साथ उस अस्पताल ने कहा कि हम प्रवेश नहीं देंगे, दो घंटे के अंदर वो बच्चा दम तोड़ के मर गया। क्या जवाब दोगे आप उस महिला को? क्या जवाब दोगे उस महिला को जिसका बच्चा कैंसर से पीड़ित था, वो बैंक में गई जैसे अभी कल्याणदा ने कहा पैसा निकालने के लिए, बैंक मैनेजर ने 1 रुपये के 17 किलो के सिक्के उसको दिए, वो 65 वर्ष की महिला कहती थी मैं कैसे उठाऊं इसको, बैंक का मैनेजर कहता है मेरे पास यही है, या तो ये लो और या तो भाड़ में जाओ। क्या जवाब दोगे आप उस महिला को, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि नारी शक्ति और सुकन्या समृद्धि की बात ये करते हैं, वास्तविकता है देश की महिलाओं को देखो, इस सदन में हमारी महिलाएं हैं, अध्यक्षा महोदय आप सदन चलाती हैं, हर एक गृहस्थी में एक एक महिला अपने जीवन में पैसा बचाती है, जो पति से पैसा मिलता है अपने कमाई का पैसा मिलता है कोई कंबल के नीचे रखती है, कोई कबड़ के अंदर रखती है कि भगवान न जाने अगर बुरे दिन आए, अच्छे दिन की बात भूल जाओ, तो इस पैसे का इस्तेमाल हो पाए। और आपने एक लकीर से उस इस देश की एक एक गृहिणी एक एक महिला का एक पैसा को कागज के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया, और वो महिला कहां जाएगी? पति के पास जाएगी तो पति कहेगा कि पैसा कहां से आया, और अगर आपके सरकार या प्रधानमंत्री के पास जाएगी तो कहेंगे काला धन तुमने लाया। आपने कलंक लगाया है हर एक महिला के चेहरे पर। विषय यह है कि आपने कर दिया ऐलान बिना किसी प्लान। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि कोल्ड ड्रिंक का पुराना एड था, थम्स अप या कौन सा मालूम नहीं, कि आज कुछ तूफानी कर देते हैं, उसी के आधार पर आपने निर्णय लिया। विषय यह है कि वो अमिताभ बच्चन की सीरियल मुझे याद आया, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें कहा जाता है कि सबका पैसा लॉक किया जाए, और आज आप कहते हो कि आपका पैसा आपका ही रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में कौन सा रूल है, कौन सा अधिकार है आपका कि जनता का पैसा के ऊपर ग्रहण आप लगा पाओ? ये देश की जनता आज आपसे जानना चाहती है।